कभी पेन किलर है, कभी कैल्शियम की गोलियां है, तो कभी विटामिन की गोलियां होती है। ये सब करने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ जाती है और बाद में नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन आप अगर इस पे हम जो बोलते हैं ये ट्रीटमेंट अगर करते हो तो हम बोल सकते हैं कि 99% केसेस में आप नी रिप्लेसमेंट को टाल सकते हो। हेलो स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। हाँ, तो आज हम नी जॉइंट पेन की ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। नी जॉइंट पेन, इसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कभी क्राउट आर्थराइटिस, ये इस तरह के अलग अलग ये कारण होते हैं। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये कॉमन पाया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जोड़ों की, हड्डी की, जोड़ों में जो हड्डी है उसकी बीमारी है। और होता क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो जॉइंट में पेन होता है, ये तो पहली बात है। आप कौन से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, आर्थराइटिस गाउट हो, जॉइंट में पेन, ये तो पेन होता ही है। इस पेन में अंदर हड्डियों में एक इरोजन बोलते हैं, हड्डियां घिस जाती है, तो इसके कारण हड्डी को एक जॉइंट को एक टेंडरनेस आता है। जॉइंट को छूते हो तो भी किसी को दर्द होता है, तो किसी को चलने फिरने में मुसीबत, उस टाइम दर्द बढ़ता है। किसी को सीढ़ियां उतरने या चढ़ते वक्त दर्द होता है, उठते बैठने में, उठने बैठने में भी स्टार्टिंग में ही दर्द होता है। इस तरह से अलग अलग इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए हम पेन किलर तो खाते हैं कभी कभी, कभी पेन किलर है, कभी कैल्शियम की गोलियां है, तो कभी विटामिन की गोलियां होती है। ये सब करने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ जाती है और बाद में नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन आप अगर इसमें हम जो बोलते हैं ये ट्रीटमेंट अगर करते हो तो हम बोल सकते हैं कि 99% केसेस में आप नी रिप्लेसमेंट को टाल सकते हो और पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हो, पूरी तरह से ठीक होते हो। और ट्रीटमेंट तो एकदम आसान है, ये जो हम बताने जा रहे हैं ट्रीटमेंट एकदम आसान है। क्या करना है इसमें, हम सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, इस तरह की जो सुजोक में आने जो ट्रीटमेंट होती है, ये ट्रीटमेंट से हम पूरी तरह से ठीक होते हैं। कैसे होते हैं देखो, कितनी आसान, क्या करना है अपने को, सीड थेरेपी करने जा रहे हैं तो हमें, हमारे पास ये एक टेप होनी चाहिए, इसको माइक्रोपोर टेप बोलते हैं, सर्जिकल टेप है, ये पेपर टेप है। और इस पेपर टेप पे आप मेथी के दाने आप लगाते हो, ये मेथी के दाने हैं, तो आप इस दानों को आप इस टेप पे चिपकाना है। तो इसके लिए मैं ऐसे उठा के इसके ऊपर लगाने से अच्छा है, मैं इसको इस तरह से ये ऐसे लाइन में लगा रहा हूँ, ये ऐसे मैंने लाइन में ये पूरा हम लोग लगाएंगे और इसके ऊपर ये टेप, ये ऐसे लगाते हो तो टेप को ये दाने सब चिपक के आ गए। ये पूरी पट्टी आपके जॉइंट के अनुसार आप ले लेंगे और इस पट्टी को किस तरह से आप जॉइंट के ऊपर ये लगाएंगे, ये पट्टी को इस तरह से आपने लगाया तो इस तरह से आप इस मिडल जॉइंट के ऊपर, हर फिंगर के मिडल जॉइंट के ऊपर इस तरह की ये मेथी दाने की पट्टी चिपकाएंगे। तो ये हो गया सीड थेरेपी। आप मेथी के दाने यूज करके जो कर रहे हैं उसको सीड थेरेपी, मेथी के दानों को ये चारों जॉइंट पे आप लगाएंगे, मिडल जॉइंट पे, चारों फिंगर पे। तो ये हो गया सीड थेरेपी। इस सीड थेरेपी में हम जो ये चारों जॉइंट यूज कर रहे हैं, एक दिन एक हाथ, दूसरे दिन दूसरे हाथ पे, ये करना है हर दिन, हर रोज एक ही हाथ पे नहीं करना है, नहीं तो इधर लोकल, ये मेथी के सीड का लोकल इधर डैमेज, आपको डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम हाथ को हमेशा बदलते जाएंगे। तो ये सीड थेरेपी हर रोज रात को करना है और सुबह उठ के आपको इसको निकालना है। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि हर दिन सीड मेथी के दाने नए लगाने हैं, नए लेने हैं, पुराने दाने, पुराने दानों को यूज नहीं करना है, हर दिन नए दानों को लेना है। तो ये हो गया सीड थेरेपी। अभी देखते हैं कलर थेरेपी कैसे करते हैं। तो कलर थेरेपी के लिए आपके पास ये जो पेन है, लाल कलर, लाल कलर का पेन होना चाहिए, यानी उसकी शाही लाल कलर की होनी चाहिए। ये कलर थेरेपी के लिए ये पेन को आप रेड इंक वाला ये पेन है इसको यूज करेंगे और उसको भी ये हर फिंगर के मिडल जॉइंट के ऊपर ये इस तरह से आप कलर करेंगे, मिडल जॉइंट के ऊपर पूरा, सभी तरह से, सभी बाजू से ये पूरा हम लोग ने इस जॉइंट को कवर किया, मिडल जॉइंट को, हर फिंगर के मिडल जॉइंट को पूरी तरह से हम कवर करेंगे। ये पूरा इस तरह से कवर कर रहे हैं मिडल जॉइंट, हर फिंगर के मिडल जॉइंट को, चारों फिंगर पे। वैसे तो आप दिन में इसको दोनों हाथों में यूज करेंगे, दोनों हाथों में इस तरह से आप यूज कर रहे हैं, दोनों हाथों में सभी फिंगर के मिडल जॉइंट, सभी फिंगर के मिडल जॉइंट को आप दिन भर के लिए रख सकते हो, रात में भी लगा सकते हो, लेकिन रात में एक हाथ पे आप
सीड थेरेपी कर रहे हैं तो एक हाथ में आपका कलर थेरेपी रहेगा, और कलर थेरेपी दिन भर में भी आप लगा सकते हो। ये भी ट्रीटमेंट आप रात भर रख सकते हो, यानी एक हाथ पे अगर सीड थेरेपी किए तो दूसरे हाथ पे आप ये कलर थेरेपी करेंगे। ये जो कलर थेरेपी है ये एक आसान तरीका कि आप दिन में भी इसको कर सकते हो, कभी आप ऑफिस में गए किधर भी गए तो ये कलर लगा के आप ये ट्रीटमेंट चालू रखते हो। तो इस तरह से ये दो कलर थेरेपी और सीड थेरेपी होती है। अभी मैग्नेट थेरेपी जो है, तो मैग्नेट थेरेपी में हम सूजों में छोटे छोटे मैग्नेट यूज करते हैं, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल जो मैग्नेट थेरेपी कर दिए जाते हैं नेचुरोपैथी में भी, उसकी मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। तो उसमें क्या करना है, तो आपको इस तरह के ये जो बड़े मैग्नेट है हाई पावर मैग्नेट, इसका यूज करना है। ये हाई पावर मैग्नेट आप जॉइंट के, नी जॉइंट के दोनों बाजू में, एक बीच में जॉइंट है, ये जॉइंट के दोनों बाजू में इस तरह से लगाएंगे, एक बाजू में बाहर की तरफ ये रेड वाला और अंदर की तरफ ब्लू वाला, इस तरह से आप जॉइंट पे ये मैग्नेट एक 15 मिनट की ट्रीटमेंट आप करते हो रात को सोने के पहले, तो इसका भी बहुत सारा फायदा होता है। इस तरह से ये दो मैग्नेट आप नी जॉइंट के दोनों बाजू में लगा रहे हैं, बाहर की बाजू में ये रेड वाला है और अंदर की बाजू में ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला अंदर की बाजू में, ऐसे ये मैग्नेट 20 मिनट के लिए आपको लगा के रखना है। ये दिन में दो बार आप कर सकते हो, एक बार बिके तो भी चलेगा। और ये मैग्नेट बाहर एक्यूप्रेशर की दुकान पे ये हाई पावर मैग्नेट मिलते हैं, लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको भेज सकते हैं। और ये मैग्नेट बहुत काम के है, सिर्फ नी जॉइंट के लिए नहीं है बल्कि बहुत सारे उसके काम होते हैं। इसका एक वीडियो आप हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे, इसमें इसके बारे में सब पूरी चर्चा की है कि इसके हर तरह के उपयोग होते हैं। यानी ये मैग्नेट, दो मैग्नेट आपके घर में एक 24 घंटा आपके लिए काम करने वाली है डॉक्टर रहेगी। तो इस मैग्नेट का भी आप यूज करेंगे इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और दूसरी एक बात है कि इसके साथ में भी आप ये जो सूजों वाली रिंग है इसका भी यूज करेंगे। ये दिन में 3-3, 4-4 घंटे के बाद ये एक मिनट के लिए हर एक जॉइंट के ऊपर, फिंगर के हर जॉइंट के ऊपर इस तरह से आप घुमाएंगे, मिडल जॉइंट के ऊपर, हर फिंगर के ऊपर इस तरह से आप थोड़ा प्रेशर देके, आपको जितना बर्दाश्त होता है उतना प्रेशर देके आप हर फिंगर के ऊपर, आठो फिंगर के ऊपर ये करेंगे। और इसमें इस ट्रीटमेंट में और एक बात को आप जोड़ सकते हो, एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर ये भी आप दिन में 2-3 बार आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हो, खुद का एक्यूप्रेशर खुद करें आप। सुजोग में आप जो सीड लगा रहे हैं उसमें भी एक्यूप्रेशर हो रहा है, इसके साथ में आप लोकल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ले लेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये दिखा रहे हैं हम लोग, तो अभी हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को देखते हैं। ये जो घुटना है, ये घुटने की ये वाटी जो है, पटेला बोलते हैं, ये गोल वाली जो वाटी रहती है अपनी, ये समझो ये वाटी, ये आपकी वाटी है गोल वाली, ये घुटने की ये पटेला बोलते हैं, ये वाटी है। इस वाटी के, इस पटेला के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दो अंगूठे की दूरी है, बाहर का जो कॉर्नर है उसका, वाटी का उसकी दो अंगूठे की दूरी ऊपर ये एक पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को। और वैसे ये अंदर की जो लाइन है उसकी बॉर्डर है अंदर वाली इस वाटी की, इसके भी ऊपर दो अंगूठे की दूरी, दो अंगूठे की दूरी वहां से, उसकी अपर बॉर्डर से दो अंगूठे की दूरी, वहां भी ये पॉइंट रहता है। ये दो पॉइंट को आप एक्यूप्रेशर करना है, ये दो पॉइंट को एक एक मिनट के लिए आप एक्यूप्रेशर ऐसे कर सकते हैं, ये पंपिंग ये किया। बाद में इस अंगूठे की यही अपर बॉर्डर से 4 फिंगर की दूरी पे और एक पॉइंट मिलता है 4 फिंगर की दूरी, तो यहां भी आप एक्यूप्रेशर करेंगे एक मिनट के लिए, ये हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। बाद में ये जो वाटी है उसके यहाँ, इसके दो गड्ढे मिलते हैं अपने वाटी के, जैसे ये दो आंखें है उसकी, ये आंखें जैसे ये दिखते हैं दो, आप फोल्ड करते हो तो जल्दी समझ में आता है, घुटना फोल्ड करने के बाद ये जो दो गड्ढे रहते हैं, तो इस गड्ढे में भी आप एक्यूप्रेशर ऐसे, यहां भी आप पंपिंग कर सकते हो एक्यूप्रेशर, घुटना मोड़ के करना है आपको। और बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके नीचे की बॉर्डर से, ये नीचे की बॉर्डर अंगूठे ये पटेला की नीचे की बॉर्डर से आप 4 फिंगर की दूरी नीचे आते हो, और ये जो हड्डी है उसके बाजू में यहाँ गड्ढे में यहाँ एक पॉइंट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेन किलर भी है ये पॉइंट, तो यहाँ भी आप एक्यूप्रेशर करेंगे, खुद के हाथ से भी कर सकते हो एक एक्यूप्रेशर, ये इंपॉर्टेंट, इसको भी एक मिनट दे देंगे। और इसके बाजू में ये दूसरी जो हड्डी रहती है, ये जो हड्डी है फिबुला बोन बोलते हैं, इस हड्डी की आगे की बॉर्डर वहां भी आप इसके लाइन में, इसको भी आप एक्यूप्रेशर करेंगे अंदर पंपिंग एक मिनट के लिए, इसको करेंगे। और इसी लाइन में यहाँ आते हो आप अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ये हड्डी की ये नेक बोलते हैं, इसकी नेक है यहाँ, यहाँ भी आपको इसी लाइन में आते हो तो यहाँ तीसरा पॉइंट, इसको भी आप ऐसे पकड़ के, ये पॉइंट पेनफुल रहता है, टेंडरनेस इसमें होता है, इसको भी आप अच्छी तरह से इसको आप ये एक्यूप्रेशर कर सकते हो एक एक मिनट के लिए, ऐसे मिलके आप 6-7 मिनट की ये प्रक्रिया आप दिन में 3 बार कर सकते हो। ओके, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को
आप यूज करें। इस तरह से ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताई, कलर, सीड, मैग्नेट और ये रिंग की मसाज थेरेपी, इस तरह से आप करते हो तो आप 100% से जल्दी क्योर हो जाते हो। 100% नी रिप्लेसमेंट की बारी आप टाल सकते हो, नी रिप्लेसमेंट को टाल सकते हो। हाँ, कभी कभी किसी का नी जॉइंट में डैमेज ज्यादा है या कोई और बातें हैं जिसके कारण उसको जितना चाहे उतना आराम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको फिर इसकी एडवांस ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कारण होते हैं। किसकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है इसके साथ में, तो उसको जल्दी उतना फर्क नहीं मिल सकता है, क्योंकि ओबेसिटी भी उसका एक कारण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक डिटेल में इसका अलग ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें आपके कॉज को देखा जाता है कि आप आपके घुटने में क्या हो रहा है। जैसे कि किसी के घुटने में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, किसी के घुटने में उसका लुब्रिकेंट बोलते हैं वो कम होते गया है, या किसी के मसल टियर है, लिगामेंट टियर है, या किसी को जो इरोजन है हड्डी में जो फ्रिक्शन हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसके कारण उसमें इन्फ्लेमेशन आ रहा है, सूजन आ रही है उसके कारण, ये सब अलग अलग बातें हैं और इसकी डिटेल ट्रीटमेंट भी होती है। ये डिटेल ट्रीटमेंट करने के बाद भी आप 100% इसमें से ठीक हो जाते हो। तो ये हो गया कि अब जब डिटेल ट्रीटमेंट करते हैं इसमें आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना होगा, आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि ये डिटेल ट्रीटमेंट में आपको हर तरह की अलग अलग ट्रीटमेंट, सिर्फ सूजों की नहीं, उसके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, और डाइट से लेके एक्सरसाइज से लेके सब कुछ बताया जाता है, जिसके कारण आप नी रिप्लेसमेंट को टाल सकते हो। तो इस तरह से इन सभी बातों को जोड़ के आप 100% नी ज्वाइंट पेन, सिर्फ पेन ही नहीं उसका 100% क्योरिंग, क्योर हो जाएगा। तो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं एल्टरनेटिवपैथी के हमारे, उसको भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, जो इंटरेस्टेड है वो भी आप देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसके साथ इससे कनेक्टेड ये भी वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।